तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज मैं हूँ झारखंड के वेस्ट सिंहभूम इलाके में, चाईबासा में, जहाँ पे मुझे कुछ मिला है खाने का बहुत अच्छा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो मेरे पीछे जो दिख रहा है ये यहीं पे प्रिपेयर हो रहा है, तो कैसे बन रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। ये दुकान का नाम है, मतलब स्ट्रीट रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, स्ट्रीट रेस्टोरेंट का नाम है हेम्ब्रम पोडम बाजार। और पोडम इज़ द डिश, पोडम जो कैसे बना रहे हैं दिखाते हैं। ये यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है, कैसे बांधते हैं इसको पहले दिखाते हैं। ये मैरिनेटेड चिकन रखा हुआ है, इधर कबाब का भी प्रिपरेशन चल रहा है। तो इसको ऐसे पत्ते में रख कर फोल्ड करते हैं। मसाला तो वही जो चिकन में लगाते हैं, जैसे गरम मसाला, लहसुन, अदरक, वो सब का पेस्ट बना कर हम लोग इसमें डालते हैं। अच्छा, हाँ, इसको क्या मिला के रखते हैं बहुत देरी? हाँ, नहीं ज़्यादा मिलाते के साथ भी हम लोग बांटते हैं, नहीं ज़्यादा देर रखने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसी में पक जाता है? हाँ, ये वाला तो कलेजी वाला है ना? हाँ, कलेजी है। 50 का ये वाला एक प्लेट लो ना, ये भी एक प्लेट खाएंगे, ये भी डालेगा ना? तो आएंगे फिर बाद में। उसके बाद में ऐसे आग में रख देते हैं, ये यहाँ पे पकेगा पूरा। कितना टाइम लगता है पकने में? 15-20 मिनट में पक जाता है पूरा। फिर पकने के बाद ऐसे बाहर निकाल के ठंडा करते हैं, फिर खोल कर सर्व करते हैं। इसमें सिर्फ चिकन है, हमने दोनों मंगाए, एक सिर्फ चिकन रहेगा और एक में चिकन और राइस दोनों। वाह, बहुत बढ़िया से पक गया ये। देसी स्टाइल में सर्व होता है, पत्ते में सर्व होगा, पत्ते में चटनी के साथ में नींबू, मिर्चा और नमक, और ये हमारा चिकन वाला प्रिपरेशन ऐसे बन रहा है। देखो बहुत सारा बन रहा है, दिन भर कितना सारा बनता रहता है। ये सर्व हो गया, धनिया पत्ता का चटनी आ गया, साथ में नींबू, प्याज को तो कबे नहीं अबे, हां प्याज का चटनी। वाओ, बहुत सही लग रहा है। प्याज भी मिल रहा है साथ में। मैंने एक बार ये खाना जरूरी है, एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सही, धुआं निकल रहा है एकदम गरम गरम है। अभी हम खाएंगे, कैसा लग रहा है देखते हैं टेस्ट। थोड़ा चटनी में डिप कर लिया तो मस्त चटनी लगा दिया यहाँ, जिसके बाद थोड़ा सा खाने के बाद फिर देखो। बहुत बढ़िया सा पका, 15 मिनट में चिकन पूरा पक गया। टेस्ट तो सही में बहुत अच्छा है, साथ में थोड़ा प्याज और आलू की चटनी, नींबू मैंने निचोड़ दिया चिकन में, और थोड़ा टेस्टी हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक बार जब भी आओ यहाँ जरूर खाओ। क्या नाम है? हेम्ब्रम पोडम बाजार चाईबासा में। क्या हेम्ब्रम पोडम बाजार चाईबासा, एक बार जरूर खाना चिकन। क्या सर? मेरा नाम दौलत सिंह हेम्ब्रम। अच्छा, इसलिए दुकान का नाम हेम्ब्रम है ना? दुकान का नाम क्या है सर, पूरा नाम? हेम्ब्रम पोडम बाजार। हेम्ब्रम बाजार ना, इसी पोडम, इसको पोडम मैंने कुछ भी मिलाने से पोडम बोलते हैं या अलग अलग है? पोडम का मतलब एक कोई भी आइटम को अगर पत्ता में हम लपेट के बनाते हैं तो उसको पोडम बोलते हैं अपना भाषा में। अच्छा, तो क्या क्या है आप लोग का, बनाते क्या क्या बनाते हैं? हम लोग सिर्फ चिकन का वैरायटी, चिकन का सारा वैरायटी मतलब। हाँ, कबाब भी है ना? हाँ, कबाब भी है, सीख कबाब है, और ये पोडम है। पोडम में सब कुछ, विद राइस और विदाउट राइस वाला। हाँ, दोनों मिलता है। अच्छा, कितने का आता है एक पोडम? एक पोडम नॉर्मल वाला 25। हाँ, और बड़ा 50 का आता है। अच्छा, दो वैरायटी है आपका, छोटा और बड़ा, बहुत बढ़िया। कब से चला रही है? लगभग मेरा 3 साल हो गया है। 3 साल से ना, बढ़िया। कितना किलो चिकन हो जाता होगा डेली? 20-25 किलो पर डे। वाह, बढ़िया। सुबह कब तक खुल जाता है? सुबह 10 बजे से मेरा तैयार हो जाता है और 6 बजे तक मेरा। अच्छा, सुबह 10 से 6 तक ही मिलता है? 6 बजे तक। तो 10 से 6 बजे तक आकर आप यहाँ पोडम का एकदम मज़ा ले सकते हैं, एकदम गरम गरम फ्रेश बना के देंगे, ऐसा नहीं कि बना के रखा रहता है।
आइए फ्रेश खा के जाइए। इसमें हेमरम पोड़म बाजार में एकदम चाय बसा में सब कोई जानता है नाम से। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, वेलकम।